में सहे मिलता तो इतना सारा जो आंधी तूफान सहने के लिए जो शक्ति मुझे चाहिए था वो शक्ति शायद पहले से मिल जाता। बाबा के आशीर्वाद से बनी राज्यपाल, मुश्किल क्षणों में परमात्मा प्यार बना सहारा, ब्रह्मा कुमारीज में मिला नया जीवन। शांतिवन प्रवास के दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अनुभवों को किया साझा। रायपुर के शांति सरोवर में नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का हुआ सम्मान। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मेरी प्राथमिकताएं विषय पर चर्चा, बीके कमला ने कहा बाहरी स्वच्छता के साथ ही आंतरिक स्वच्छता भी जरूरी। जयपुर में संस्कृति युवा संस्थान ने बीके पूनम को राजस्थान गौरव अवार्ड से किया सम्मानित। 50 से अधिक वर्षों में समाज में की गई सेवाओं के लिए मिला सम्मान। और आखिर में चेन्नई के वेलाचेरी में ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन हार्मनी इंडिया द्वारा 11वां हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फेयर का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने महिला सशक्तिकरण पर लगाई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। नव दुर्गा का लाइव शो बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। बुलेटिन की शुरुआत आज झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से कर रहे हैं। हाल ही में राज्यपाल 2 दिवसीय प्रवास पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित हुए 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थी। मुख्यालय पहुंचने के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू न केवल शिक्षा सम्मेलन की मुख्य अतिथि बनी बल्कि सभी बीके सदस्यों के लिए आयोजित होने वाली प्रातःकाल ध्यान साधना में भी शरीक हुई। आध्यात्मिक अनुभवों को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान से लंबे समय से जुड़ाव है। जब राज्यपाल बनने की घोषणा हुई तब भी मैं आध्यात्मिक साधना में ही थी। बाबा के ज्ञान ने जिंदगी बदल दी, उनके आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं डिप्रेशन में थी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई एक ऐसी शक्ति मुझे सहारा दे रहा था। कोई मुझे रात को 3:30 बजे उठा देते थे और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी रास्ता से चल पड़ी। और आहिस्ता आहिस्ता हम आसुप्रिया बहन के साथ गांव गांव घूमे। इतने बहुत सारे 100-200 गांव हम घूमे, क्लास किए और ऐसे करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये एक बहुत सारा किताबें पढ़ी, बहुत सारे चीज ज्ञान मुझे आया, यही रास्ता सही है। सियासत से लेकर आध्यात्मिक विरासत के सफर का पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे वे इस संस्थान से राजनीति में रहते हुए जुड़ पाई, मंत्री पद पर भी रहते हुए किस तरह से आध्यात्मिक पथ पर रही। जब राजभवन गई तो राजभवन का माहौल थोड़ा अलग सा था। जाने से पहले मैंने बोली कि ना मेरा खान पान ऐसे होना चाहिए और ये सब चीज़ें थोड़ा ये सब करना चाहिए, तो उससे पहले ही सब ठीक ठाक हो गया। उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल के कारण वो सेवा केंद्र पर जाकर प्रातःकाल की क्लास अटेंड नहीं कर पाती, लेकिन परमात्मा ने उन्हें पूरे भारत के सेवा केंद्रों का भ्रमण करने का अवसर राज्यपाल के रूप में प्रदान किया है। प्रोटोकॉल के कारण सेंटर नहीं जा पाती, वहाँ निर्मला बहन बीच बीच में बुलाते हैं, लेकिन इतने ताम झाम ये सब इसके साथ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कंप्यूटर से रोज मुरली निकाल के मैं पढ़ती हूँ। सुबह शाम अकेला पढ़ती हूँ, योगा करती हूँ, अपना एक कमरा बनाई हूँ। बाबा ने मुझे पूरा इंडिया के सेंटर, बहुत सारा सेंटर में जाने का मौका मुझे दिए। बहुत सारा सेंटर भाई बहनों के साथ वहाँ सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। 2 दिवसीय प्रवास पर मुख्यालय आकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू दिल से बहुत खुश थीं। इस दौरान मंच पर शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया और ईश्वरीय सौगात भेंट की। अब बात करेंगे रायपुर के शांति सरोवर की, जहां संस्था के राजनीतिक सेवा प्रभाग द्वारा नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय रहा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मेरी प्राथमिकताएं। इस अवसर पर महापौर एजाज डेबर ने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत अपने घर और गलियों से करनी होगी,
जिस दिन अपने कर्तव्य को याद रखना हम शुरू कर देंगे, उस दिन शहर स्वतः ही स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। सबसे पहले हमारे घर की गली, हमारा घर होना चाहिए, तब हम शहर साफ करेंगे, तब हम पूरा काम करेंगे। जब हमारा घर साफ होगा, घर की गली साफ होगी, हमारी घर के रोड साफ होंगे, निश्चित तौर पर पूरा भारत इस कार्यक्रम का आगाज बालिकाओं द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति एवं कुमारी शारदा ने सुमधुर स्वागत गीत गाकर सभी को भावविभोर किया। कार्यक्रम के चलते रायपुर के क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने बताया कि शहर को साफ रखने के लिए सबसे पहले अपने मन की स्वच्छता जरूरी है। वहीं राजयोग शिक्षिका बीके दीक्षा ने भी अपने वक्तव्य में बताया कि जब व्यक्ति लोगों की आलोचना करता है तो वायुमंडल में नकारात्मकता फैलती है, जो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। हमारे हृदय में किसी के लिए भी कोई व्यर्थ बात न, हर एक के लिए हम अच्छा सोचें। अगर दिन में हमें एक दिन में हम पांच लोगों के लिए हमने अच्छा सोचा, आज दस के लिए, तो हमें तो कितना मिलेगा? दस। एक दूसरे के प्रति बात करके हम चारों तरफ का माहौल नेगेटिव और प्रदूषित करते चले जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उठाना है कि पहले खुद से पहल करनी होगी, सेल्फ को अवेयरनेस करना होगा कि नहीं मुझे करना है, बगल वाला करे या ना करे, पहल शुरुआत मुझे करनी होगी, इसके लिए झुकना भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़कर औरों को आगे बढ़ना। इस दौरान महापौर समेत सभी पार्षदों का सम्मान किया गया, वहीं उन्हें ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। जयपुर में सवाई जयसिंह रोड स्थित होटल डिग्गी पैलेस में संस्कृति युवा संस्थान की ओर से एक भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 40 प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर ब्रह्मा कुमारीज में राजापाक सब जोन प्रभारी बीके पूनम को भी राजस्थान गौरव अवार्ड का सम्मान प्राप्त हुआ। पिछले 50 से अधिक वर्षों से उनके द्वारा मानवता की समाज सेवा, लोगों का जीवन तनाव मुक्त व सुख शांति से संपन्न बनाने में की गई ईश्वरीय सेवाओं के चलते उन्हें सम्मानित किया गया। यह सम्मान बीके पूनम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, राजस्थान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान उच्च न्यायाधीश जस्टिस गोवर्धन लाल बाधार, कार्यक्रम आयोजक एवं संस्कृति युवा संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा की उपस्थिति में दिया गया। चेन्नई के वेलाचेरी में ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन हार्मनी इंडिया द्वारा 11th हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फेयर का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया, जिसमें फॉस्टर विमेन ऑनर थीम पर करीब 400 स्टॉल लगाए गए थे। 7 दिनों तक चले इस मेले में विभिन्न हिंदू आध्यात्मिक संगठनों द्वारा धर्मार्थ कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा मेले की थीम के अंतर्गत स्थायी पर्यावरण के लिए वनों और पर्यावरण संरक्षण तथा देशभक्ति को बढ़ावा देने, साथ ही साथ माता पिता, शिक्षक एवं महिला के सम्मान के लिए आगंतुकों को शिक्षित भी किया गया। इस मेले में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण विषय के तहत प्रदर्शनी लगाई। तमिजमणि चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक जयंती राजू, तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, अद्यार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मुथुमनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस स्टॉल में महिलाओं की शक्ति समेत स्वास्थ्य पर जल के प्रभाव विषय पर भी आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। इसके साथ ही राजू मेडिटेशन कक्ष में भी लोगों ने शांति की अनुभूति की। इसी दौरान ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक दिवसीय नव देवी दर्शन शो का भी लाइव आयोजन किया गया, जिसमें 9 देवियों की चैतन्य झांकी में माँ दुर्गा समेत अन्य देवियों की सुंदर झांकी का दर्शन करने कई लोग पहुंचे। इस शो को मेले के आयोजकों गुरुमूर्ति तथा राजलक्ष्मी ने खूब सराहा।
राजस्थान आबू रोड के उप कारागृह में कैदियों के नैतिक विकास के लिए ब्रह्मा कुमारीज के रेडियो मधुबन की टीम ने एक नवीन पहल की है, जिसके चलते डिप्टी जेलर जयकिशन उपाध्याय को रेडियो सेट भेंट किया। इस रेडियो सेट के माध्यम से रेडियो मधुबन 90.4 FM पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को कैदियों को नियमित रूप से सुनाया जाएगा, ताकि वे खाली समय का सदुपयोग कर सकें। इस अवसर पर रेडियो मधुबन टीम की ओर से आरजे शुभा, आरजे आरुषि तथा आरजे गीता मुख्य रूप से मौजूद थीं। बेंगलुरु के गोटीगिरे में स्थित राजयोग भवन में 5 दिवसीय साइलेंस रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें वीवीपुरम सब जोन के वरिष्ठ बीके बहनों ने भाग लिया। इस अवसर पर सब जोन प्रभारी बीके अंबिका ने मलेशिया से आई बीके मीरा का अपने शब्दों द्वारा स्वागत किया। वहीं बीके मीरा ने ईश्वरीय मार्ग पर चलने का महत्व समझाया। मीरा बहन का ही विशेष हमारे लिए एक लॉटरी कहो या कुछ भी कहो, कहा कि हम आके ये सारा कराएंगे, तो हमारा बहुत दिल था कि ये साइलेंस रिट्रीट एक बार यहाँ होना चाहिए, जो सभी बहनें उस साइलेंस की गहराइयों में जाकर के अनुभव करें, अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मन से जो शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्पों की वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं तक भी पहुंचेगा, इवन तत्वों को भी परिवर्तन करेगा। मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके मीरा ने 5 दिनों में विभिन्न सत्रों के माध्यम से सभी प्रतिभागी बीके बहनों को राजयोग मेडिटेशन के अनेक अभ्यास कराए। वहीं अंत में बीके बहनों ने इस रिट्रीट के दौरान हुए अनुभवों को भी साझा किया। राजस्थान के नागौर में कबीर दास के 502वें महापरिनिर्वाण महोत्सव पर सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से धार्मिक प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके नारायण ने बताया कि देह पर आधारित धर्म कभी भी मानव को शांति व खुशी नहीं दे सकता। स्वधर्म अर्थात आत्मिक धर्म में टिकने से ही जीवन में शांति आ सकती है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, ऋषिकेश से आए अखिल भारतीय तीर्थ रक्षा सम्मान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी राकेश नाथ, जोधपुर से कबीर पंत महंत रमैया साहब, वन्यजीव पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री हिम्मता राम चौधरी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंकिता भी मुख्य रूप से मौजूद थी, जहां उन्होंने भी अपने अपने विचार साझा किए। यूपी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आयोजित हुए 3 दिवसीय इंटर स्टेट ट्राइबल कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस मौके पर उपस्थित कई मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने इस आयोजन की सराहना की। वहीं गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र से जुड़ी डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व करते हुए आध्यात्मिक जीवन को अपनाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर परिधि आर्ट ग्रुप के अध्यक्ष निर्मल वैद, नमो गंगे ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य मुकेश कुमार की भी विशेष मौजूदगी रही। अब डालते हैं एक नजर अन्य कुछ खबरों पर। मुंबई में कल्याण वेस्ट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अलका एवं बीके कुसुम नवनियुक्त वन मंत्री संजय राठौर को बधाई एवं शुभकामनाएं देने पहुंची। इस दौरान ईश्वरीय सौगात भेंट कर मंत्री संजय राठौर को परमात्मा संदेश दिया। लखनऊ के जानकीपुरम में संस्था के वरदानी भवन में हीलिंग पावर ऑफ मेडिटेशन विषय के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लंदन से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गोपी मुख्य वक्ता रही। हमने सुना है और हम मानते भी हैं, दूसरी कैटेगरी की आत्माएं जो खुद को आत्मा अपने आप को बिलीव करते कि मेरे में आत्मा एक है, शरीर और आत्मा दो चीज अलग है और मैंने खुद अपने लिए एक्सेप्ट किया है। आज की खबरों में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।